हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की प्रकाश से रिलेटेड जो आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों, वो आज की टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने आज तक ये जाना था प्यारे बच्चों की जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तभी उसका परावर्तन होता है। आज से आप इतनी देर तक यही जानते थे कि चिकने तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है प्यारे बच्चों, परंतु आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिना दर्पण का प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, बिना किसी चिकने तल का प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। आज हम लोग करेंगे, देखेंगे कैसे होता है प्यारे बच्चों। सारी चीजें जानने के लिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ में वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। अब हम समझते हैं, एक पॉइंट जरा सा चर्चा करते हैं जो आप पिछला चीज अगर आपने पढ़ा होगा अपवर्तन, तो प्यारे बच्चों ये चीज मैंने जरूर बताया था कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती हैं, विरल में क्या प्यारे बच्चों, सघन से विरल में प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये चीज मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, केवल रिवाइज करा दिया, दूर हट जाती है ये बात बताया गया था। अब प्यारे बच्चों वही चीज आप देख रहे हैं कि सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। आइए, एक प्रकाश किरण हम लोगों ने आपतित करा, ये कोई हो गया फर्स्ट किरण, ठीक। अब आपको लग रहा है कि वास्तव में ये प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए, परंतु ये ऐसे नहीं जाती, ये इस मार्ग को नहीं अपनाती, बिल्कुल थोड़ा सा अभिलंब से इससे इस वाली लाइन से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। यानी ये प्रकाश किरण इस प्रकार गमन करने लगेगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार जाने लगेगा। अब आपने पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे हमने I1 से व्यक्त कर दिया, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, इसे मैं R1 से व्यक्त किया, वो I1 था तो R1 था। यानी जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती, ये दिखाया गया प्यारे बच्चों। अब हमने क्या किया कि इस बार आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया प्यारे बच्चों। इस बार जो I1 थी इसकी वैल्यू I1 से I2 कर दिया, और I2 जो है ज्यादा है I1 से, तो उसको हम समझने के लिए भाई थोड़ा सा रेड मार्कर का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब जो ये दूसरी प्रकाश किरण है, वो दूसरी प्रकाश किरण वो इस प्रकार आपतित हुई, ध्यान से देखिएगा, दूसरी प्रकाश किरण हमने ऐसे आपतित करा दिया। तो अब इसके लिए गाइस आप देख रहे होंगे जो आपतन कोण है वो पहले से ज्यादा हो गया, आपतन कोण हो गया I2, I2 I1 से बड़ा है। तो अब आपको पता है ये प्रकाश किरण लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, परंतु ये सीधे ना निकलते हुए थोड़ा सा और अभिलंब से दूर हट जाती है प्यारे बच्चों, और वो इस प्रकार निकल जाती है। ये आपका पहला प्रकाश किरण था, ये दूसरा हो गया, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको केवल समझा रहा हूं भी। ये देखिए, ये आपकी पहली आपतित किरण थी, ये पहली आपकी अपवर्तित किरण थी, ठीक। अब ये आपकी दूसरी आपतित किरण है और ये दूसरी आपकी अपवर्तित किरण है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां I2 का मान बढ़ा तो R2 का भी मान बढ़ गया, टोटल यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हो गई R2 अपवर्तन कोण। अब एक हमने तीसरी प्रकाश किरण आपतित करा, कौन सा, अब तीसरी प्रकाश किरण आपतित करा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी, मतलब आपतन कोण का मान और बढ़ गया प्यारे बच्चों, वो जाके कितना हो गया, टोटल I3 हो गई, और ये तीसरी प्रकाश किरण। एक प्रकाश किरण आपतित कराया तो आपतन कोण I1 था, दूसरा कराया तो I2 हुआ, तीसरा कराया तो I3 हुए, I1 से बड़ा I2, I2 से बड़ा I3, मतलब धीरे धीरे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं। अब
अब जब हमने देखा कि प्यारे बच्चों ये प्रकाश किरणें, आपको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे 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 करके, परंतु ये प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे नहीं जाएंगी, बल्कि ये पूर्ण रूप से, ये जो प्रकाश किरण है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण रूप से इस प्रकार इस पे जाने लगेगा, ये तीसरी प्रकाश किरण हो जाएगी, ये वाली, आप समझिए। अब आप देख रहे होंगे जो I3 आपतन कोण है, इसके लिए अपवर्तन कोण प्यारे बच्चों वो पूरा क्या हो चुका है, समकोण हो चुका है, पूरा अपवर्तन कोण क्या हो चुका है, समकोण, ये R3 हो गए, बात समझ रहे हैं। अब आप समझिए जरा सा, इतनी बात आप समझिए, आपने पहली आपतित किरण कराया तो अपवर्तित किरण इधर मिला, फिर आपने दूसरा आपतित किरण कराया तो अपवर्तित किरण इधर मिला, तीसरा आपतित किरण आपने कराया तो तीसरा आपको ये मिला। तीनों में आप ये चीज देखिए, जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जा रहा है, परंतु तीसरे आपतन के लिए, I3 आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण R3 जो है वो किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चों, R3 जो है 90 अंश के बराबर हो गया। अब जब हम चौथी प्रकाश किरण आपतित कराएंगे, अब जैसे ही यहां पर हम लोग चौथी प्रकाश किरण क्या कराएंगे, आपतित कराएंगे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही चौथी प्रकाश किरण आप आपतित कराओगे, वो सघन माध्यम में न, वो विरल माध्यम में न जाकर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण रूप से सघन माध्यम में ही लौट आएगा। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रकाश परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस बात को आप समझ पाए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, जिससे कि जहां भी कोई दिक्कत हो आपको पूरा क्लियर हो जाए। एक बार आप फिर से समझिए, चित्र को समझिए बस। सघन से विरल में प्रवेश करोगे भैया, अभिलंब से दूर हट जाओगे। पहली प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश की तो वो थोड़ा सा विलंब से दूर हटी थी, जिसके लिए अपवर्तन कोण R1 था। फिर हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया, I1 से I2 कर दिए, I1 से I2 किया तो अपवर्तन कोण भी R1 से R2 हो गया, और निर्गत किरण, ये अपवर्तित किरण जिसे आप कर रहे हैं, 2 हो गया। अब हमने जैसे ही तीसरी प्रकाश किरण आपतित कराया, जैसे ही हम लोगों ने तीसरी प्रकाश किरण आपतित कराया तो अपवर्तन कोण जो R3 था वो समकोण के बराबर हो गया। फिर अब उसके बाद अब हम आपतन कोण का मान बढ़ाए, अब प्यारे बच्चों अब हम लोगों ने जब चौथी प्रकाश किरण आपतित कराया I4, चौथी प्रकाश किरण आपतित कराया तो हमने देखा कि वो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में न जाकर, विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में पूर्ण रूप से लौट आई। इसी को तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं प्यारे बच्चों, बात समझ में आया। अब यहां पर आपको दो चीजें समझनी होगी, एक यहां पर बनता है प्यारे बच्चों क्रांतिक कोण, एक बनता है क्रांतिक कोण, ये जो I3 नहीं है, ये I3 प्यारे बच्चों क्रांतिक कोण हो चुका है। अब कैसे हो चुका है अभी मैं आपको बता रहा हूं, I3 क्या है आपका, क्रांतिक कोण, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे है वो देखिए, अब जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, ये बात हमने देखा। फिर हमने देखा कि आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते, आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते हम लोग एक ऐसा कोण प्राप्त कर लेते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते I1 से I2, I2 से I3 एक ऐसा कोण प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे हम सी से व्यक्त करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों, एक बार आप फिर से बता दीजिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, वही कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। चाहो तो आप ये परिभाषा यहां प्यारे बच्चों दे सकते हैं, जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाए, अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाए,
बराबर हो जाए। कोई परिभाषा। अब अगर हम बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो आपतन कोण से क्रांतिक कोण से ज्यादा, अब देखिए ये I3 से ज्यादा I4 है प्यारे बच्चों, तो क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर यदि प्रकाश किरणें आपतित कराई जाए तो वो सघन माध्यम, वो विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में पूर्ण रूप से लौट आती है, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। एक बार फिर से, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर, क्रांतिक कोण के से अधिक कोण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में पूर्ण रूप से लौट जाती हैं, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, अधिक कोण पर आपतित होने वाली, क्या आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें विरल माध्यम में न जाकर, विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में, सघन माध्यम में पूर्ण रूप से लौट जाती हैं, पूर्ण रूप से लौट जाती हैं, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण। अब जो हमारी इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हेडिंग आती है वो ये होता है, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो, तो गाइस जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं अपवर्तनांक को हम n से व्यक्त करते हैं यहाँ पर, ठीक, और क्रांतिक कोण को हम c से व्यक्त कर रहे हैं, ये तो आप जानिए। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, यहां से प्यारे बच्चों एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अब क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर हम मान ले, यदि यदि क्या मान ले, यदि माध्यम, ठीक, यदि माध्यम एक को, माध्यम एक को यानी यदि सघन माध्यम को माध्यम एक मान ले, ऐसे लिखिए, यदि सघन माध्यम को, यदि सघन माध्यम को क्या मान लिया जाए, एक, तथा विरल माध्यम को दो माना जाए, विरल माध्यम को दो माना जाए, दो मान लिया जाए, मान लिया जाए, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्नेल के नियम से n इक्वल टू आपने पढ़ा था साइन i बटे साइन r, यही पढ़े थे। अब ध्यान दो, ये n होता था दोनों माध्यमों के सापेक्ष का अपवर्तनांक, तो आपने माना कि दूसरे माध्यम विरल को आपने माना है माध्यम दो और सघन को माने हो माध्यम एक, तो बोलो अब क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा दूसरे के सापेक्ष,
तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, माध्यम दो अपवर्तनांक एक, यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो आई है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो चुका है। यदि यदि जो आई है वो सी के बराबर हो जाए, अर्थात आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, तो जो ये अपवर्तन कोण आर होता है ये 90 हो जाता है, ठीक, तभी तो क्रांतिक कोण होगा। तो प्यारे बच्चों अभी क्या हो जाएगा, 2n1 को हम लिख सकते हैं साइन आई, तो साइन आई के स्थान पे क्या रख दें, सी रख दें प्यारे बच्चों, और आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, साइन 90। आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो एक होती, कितनी होती, एक। तो इसकी कहानी खत्म। तो 2n1 को हम लिख सकते हैं साइन सी, 2n1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप बना लीजिए समीकरण नंबर एक, ठीक। अच्छा तो गाइज आपने ये समीकरण नंबर एक हम लोगों ने बना लिया, देखा यहां तक। फिर अगर हम आगे बात करें जरा सा, तो हम जानते हैं आपने प्यारे बच्चों पिछले वाली लेक्चर में पढ़ा भी है, जो उत्क्रमणीयता सिद्धांत हमने बताया था, 2n1 इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1n2, ये रिलेशन, ये चीज मैंने उत्क्रमणीयता सिद्धांत में पढ़ाया है, यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का जो अपवर्तनांक होता है वो पहले के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है, समझ पा रहे हैं। अब ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, दूसरा। अब आप देखिए समीकरण एक और दो का एक पक्ष बराबर है, तो अगला भी पक्ष बराबर हो जाएगा, तो 1n2 बराबर 1/1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी। अब अगर हम बात करें इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1n2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/(sin C)। यही होता है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, इसे आप यन भी लिख सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक है अगर यन मान लेंगे तो, या तो ये अगर यन मान ले तो यन बराबर आ जाएगा 1/(sin C), जहां सी क्या है, क्रांतिक कोण। यही है प्यारे बच्चों अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, फुल जितनी क्रांतिक कोण से डिपेंड था वो हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिक कोण, सॉरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं, यानी कुछ घटनाओं का हम चर्चा करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। उसके बाद आपके एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न बहुत पूछता है, प्रकाशिक तंतु से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित है, पहले उसका चर्चा करेंगे तब बाकी का चर्चा करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्यारे से कमेंट सेशन में एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। गाइस अब हमारी जो टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं, ठीक। अब उनमें से सबसे पहली घटना प्रकाशिक तंतु है, इसलिए प्यारे बच्चों ये हमने लिखा है, ये घटनाएं केवल सबसे पहले इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो घटना है आपने हाई स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, और सारी जितनी घटनाएं हैं वो हाई स्कूल की क्लासेस में आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों, जैसे मिर्चिका प्रभाव, फिर कांच के दरारों का अधिक चमकना, हीरे का चमकना, ये सब आपको हाई स्कूल के एग्जाम, हाई स्कूल के सिलेबस के दौरान वहां पढ़ाया गया होगा प्यारे बच्चों। यदि आप नहीं पढ़े हो तीन सबका वीडियो आपको अलग अलग से मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। फिलहाल आज की क्लास में केवल हम चर्चा करेंगे प्रकाशिक तंतु की। अब ध्यान से देखिएगा प्रकाशिक तंतु क्या होता है, वो आपको यहां नीचे देखिए, यहां चित्र में दिखाई पड़ रहा है। प्रकाशिक तंत्र जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित एक प्रकार का यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम लोग जो ये प्रकाश होता है उसको काफी दूर तक संकेत के रूप में भेज लेते हैं, काफी दूर तक प्रकाशों को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। यानी हम यहां ये बता सकते हैं कि प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का उपकरण होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश के सिग्नलों को काफी दूर तक संकेत रूप में भेजा जाता है। अब क्या होता है,
ये देखिए, इसमें सबसे पहली बात लिखा गया है, यह एक प्रकार का जो होता है पतला बेलनकार तार होता है, मतलब एक पतले तार के जैसा बेलननुमा बनाया जाता है, ये देखिए ऐसे, ठीक, जिसका व्यास जो होता है 0.1 मिलीमीटर होता है, अर्थात यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है वो बहुत कम होता है, मतलब 0.1 मिमी के बराबर होता है। फिर इसके अंदर एक आंतरिक बेलन होता है, यहां से देखो प्यारे बच्चों, एक यहां से लेके ये तो इस पॉइंट तक था, यहां इसके अंदर, यहां से लेके यहां तक इसके अंदर एक आंतरिक बेलन, मतलब एक बेलन के ऊपर एक बेलन, मतलब कहने का मतलब है एक पतला बेलन उसके ऊपर एक बेलन और लगा रहता है, ठीक। तो इसके अंदर एक आंतरिक बेलन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोड, ये देखिए ये वाला भाग, ये इतना भाग क्या, ये अंदर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। और इसके चारों ओर एक पतली परत होती है, यानी इसके चारों तरफ एक पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे हम लोग आवरण कहते हैं, जो कि इस पाइप का क्या करती है, सुरक्षा करती है प्यारे बच्चों, ठीक। अब क्या होता है, बात आती है कि आखिर ये काम कैसे करता है। प्यारे बच्चों, जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को भेजना रहता है तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए बिना ऊर्जा हास्य का, बिना ऊर्जा की हानि की, तो प्यारे बच्चों हम लोग प्रकाशिक तंत्र का उपयोग कर देते हैं जिसकी सहायता से प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है और ऊर्जा का हास्य नहीं होता है। अब कैसे, जब इसके अंदर प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तो लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण, लगातार पूर्ण रूप से परावर्तित होने के कारण प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है और उसमें ऊर्जा का हास्य नहीं होता, क्योंकि जब प्रकाश किरणें पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है तो जितना प्रकाश किरणें यहां से आई है उतना यहां जाएंगी, फिर उतना यहां, फिर उतना, मतलब इस प्रकार धीरे धीरे प्रकाश क्या होता है, आगे की तरफ पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका प्रकाशिक तंतु काम करता है। अब और बात कर लें, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सजावट के रूप में किया जाता है, शादी विवाह कोई फंक्शन होता है तो वहां पर सजावट लैंपों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रकाशिक तंत्र का उपयोग किया जाता है। साथ में दूर संचार में विद्युत संकेत, मतलब दूर संचार मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, काफी दूर तक संकेत भेजना हुआ, दूर तक जो है कोई सूचना संचार करना हुआ तो वहां पर हम लोग इस प्रकाशिक तंत्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। साथ में आंतरिक अंगों की जांच करने में भी प्रकाशिक तंत्र का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित घटनाएं। अभी एक ही घटना नहीं है, मिर्चिका का प्रभाव, फिर ठंडे देशों में मिर्चिका, फिर तमाम प्रकार की घटनाएं प्यारे बच्चों, वो सब सारी क्लासेस आपको अलग से एक एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा। और आज की क्लास में केवल हम यहीं तक बात करेंगे प्यारे बच्चों, और इस प्रकार अपवर्तन से रिलेटेड जितनी टॉपिक थी वो खत्म हो जाती है प्यारे बच्चों। अब जो आगे की क्लास आने वाली है वो हमारी आगे की क्लास है प्रिज्म। प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर वहां से क्लियर हो जाता है। प्यारे बच्चों, आने वाली क्लास को मिस मत कीजिएगा और इस क्लास को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।